हम लोगों का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड गैल्वेनोमीटर। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक इक्विपमेंट्स होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जिसके रीजन से कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स का। इलेक्ट्रिक करेंट का डायरेक्शन किधर होगा और इलेक्ट्रिक करंट्स का अपीयरेंस है या नहीं, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के अपीयरेंस को ये गैल्वेनोमीटर शो करता है। तो व्हाट में भी वी मे राइट अबाउट द गैल्वेनोमीटर, ये सपोज कीजिए कोई भी गैल्वेनोमीटर है, इसके दो वायर्स होते हैं जो कि सर्किट से अटैच्ड रहते हैं। जैसे ही इस सर्किट में कोई भी करंट अपीयर होगा, तो फिर ये गैल्वेनोमीटर शो करेगा डिफ्लेक्शन को। इसका जो ये पॉइंटर जीरो पे है, ये किसी डायरेक्शन में मूवमेंट्स करेगा। ये जो निडल है इसके जीरो पे है अभी, और जैसे ही इस सर्किट से करंट फ्लो होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच शोज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को यह गैल्वेनोमीटर शो करता है। इट ऑल्सो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का उसको भी शो करता है। इट ऑल्सो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे ही हम लोग ये डायरेक्शन, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये निगेटिव टर्मिनल हुआ, अभी सपोज कीजिए की को ऑन किया जाएगा, तो अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो जैसे ही हम लोग इसके चेंज करेंगे पोल्स को, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज हो जाएगा, तो इसका डिफ्लेक्शन एनोदर डायरेक्शन में शो करेगा। यही होता है गैल्वेनोमीटर। अब हम लोगों का आज का जो मेन टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। सबसे पहले समझते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो तैयार किए जाएंगे उसमें हम लोग एक सर्किट लेंगे जिसके बीच में कि मैग्नेट को इंड्यूस्ड किया जाएगा। सपोज कीजिए ये हम लोगों का कोई भी सोलेनॉइड स्ट्रक्चर के सर्किट है, इसमें यहां पे इस प्लेस पे हम लोग गैल्वेनोमीटर को अटैच्ड करते हैं। ये जो प्लेस्ड है यहां पे हम लोग गैल्वेनोमीटर को अटैच्ड करते हैं। अभी ये जीरो पे है, ये सोलेनॉइड एपियर है। अब जैसे ही हम लोग कोई भी मैग्नेट लेंगे, ये कोई बार मैग्नेट है, इसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल होंगे, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल होंगे। जैसे ही इस मैग्नेट को हम लोग इस सर्किट में लाएंगे तो ये जो निडिल है उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन का रीजन क्या होता है, करंट का अपीयरेंस। अगर ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, तो करंट इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है, कोई भी करंट यहां पे अपीयर हो रहा है। तो लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फेनोमेनन इन व्हिच करंट appears inside
the circuit when a bar magnet placed inside the circuit in motion. ऐसा फेनोमेनन होगा जिसके रीजन से कि इस सर्किट में करंट अपीयर हो जाएंगे. ये करंट क्यों अपीयर हो जाते हैं? तो मैग्नेट जो है वो मोशन में है. हम लोग क्या जानते हैं, ये जो मैग्नेट है इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स अपीयर होंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स अपीयर हो जाते हैं. तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मोशन में है तो ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम टू टाइम चेंज करता रहेगा, तो इसके रीजन से इसमें इलेक्ट्रिक करंट अपीयर हो जाएंगे. जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज करता है कहां पे, सर्किट में, तो ये करंट के अपीयरेंस को शो करेगा. इसका मतलब क्या हुआ, इस सर्किट में करंट अपीयर हो जाएंगे. अब देखिए, अब इसका डायरेक्शन, अगर ये सपोज कीजिए मोशन कर रहा है, ये हम लोगों का साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये यहां पे मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में ले आ रहे हैं, तो करंट अगर इधर शो कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे उसका करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में शो करने लगेगा. मींस व्हेन मोशन ऑकर्स इन अपोजिट डायरेक्शन देन करंट आल्सो फॉलोज इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर हम लोग चेंज कर देंगे मोशन के डायरेक्शन को तो क्या होगा, करंट का भी डायरेक्शन चेंज कर जाएगा. तो इसको क्या लिखेंगे, व्हेन वी चेंज the direction of, when we change the direction of motion, direction of motion inside the circuit, the current the direction of electric current also change the direction of electric current also चेंज. कब चेंज करेगा इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही हम डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो हम लोगों का ये मैग्नेट रहेगा इसके मोशन के डायरेक्शन को अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा तो ये करंट का फ्लो भी जो है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में ही होने लगेगा. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे, किस चीज को चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन को, तो क्या चेंज कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे. सेकेंड, अब ये कब चेंज करेगा करंट के डायरेक्शन को, व्हेन वी चेंज द पोल्स ऑफ मैग्नेट. जब हम लोग साउथ पोल के प्लेस पे नॉर्थ पोल ले आएंगे, और नॉर्थ ये मैग्नेट है, अब इसके प्लेस पे हम लोग नॉर्थ पोल ले आते हैं, नॉर्थ पोल यहां आ जाएगा और साउथ पोल यहां आ जाएगा. व्हेन वी चेंज द पोल्स ऑफ मैग्नेट देन the current of the circuit is also changed. When we change the poles of magnet, then direction of इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो चेंज. जब हम लोग इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो भी क्या होता है, हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. जैसे ही हम लोग इसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो भी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे. अनदर जो इस पे बेस्ड टॉपिक आते हैं वो ये आते हैं, जो हम लोगों का कोई दो सोलेनोइड्स है, सपोज कीजिए एक ये है
जिसमें कि गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है। सपोज कीजिए ये हम लोगों का कोई भी सोलेनोइड से जिसमें गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है। एनोदर हम लोगों का एक और सेम सोलेनोइड्स है, इसको हम लोग सर्किट से अटैच्ड करते हैं। ये हम लोगों का सोलेनोइड्स कोई भी सर्किट से अटैच्ड है। अब क्या होगा, जैसे ही ये सर्किट को हम लोग ऑन करेंगे, ये सर्किट को जैसे ही ऑन किया जाएगा तो मींस यहां पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड्स अपीयर हो जाएंगे इनसाइड दी सोलेनोइड्स, और सोलेनोइड्स भी एज अ बार मैग्नेट्स यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड्स के डायरेक्शन अपीयर हो जाते हैं सोलेनोइड्स पे भी। तो इसके रीजन से क्या होगा, वंस अगेन इस सर्किट में भी ये मैग्नेटिक फील्ड्स हो गया, और इस मैग्नेटिक फील्ड्स के रीजन से यहां पे क्या होगा, करंट अपीयर होने लगेगा। तो जो ये पॉइंटर इस डायरेक्शन में था, अब सपोज कीजिए ये हम लोगों का कोई डायरेक्शन शो कर रहा है, मींस डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल शो कर रहा है। जैसे ही डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल शो करेगा, इसका मतलब इस ये जो सोलेनोइड्स है उसमें भी करंट्स अपीयर हो गए, बट ये करंट्स रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है, तो कुछ टाइम के बाद इसके डायरेक्शन जैसे ही बैटरी से अटैच कर देंगे तो ये एक कंटिन्यूअस एक टाइप का करंट प्रोड्यूस करेगा। इसके जो मैग्नेटिक फील्ड्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड मोशन में नहीं आएंगे। तो आफ्टर सम टाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, जो पॉइंटर एक बार फिर से कहां पे आके अटक जाता है, कुछ देर के लिए तो ये शो करेगा हम लोगों के डायरेक्शन को शो करेगा, मींस करंट फ्लो होगा, बट ये हम लोगों का परमानेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो कंटिन्यूअस एक ही जैसा ये हम लोगों का शो करता रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड्स एक ही जैसा प्रोड्यूस करता रहेगा, जिसके रीजन से ये आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाता है, ये पॉइंटर ओ पे आ जाता है। फिर जैसे ही हम लोग इसके कनेक्शन को कट करते हैं तो वंस अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड्स रिड्यूस होता है, जिसके रीजन से वंस अगेन हम लोगों का अनदर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम लोग किसी भी दो सोलेनोइड से करंट को पास करते हैं तो कुछ टाइम के लिए ही उसमें करंट अपीयर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स यहां पे कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हो रहे हैं। तो हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट कब तक जनरेट रहता है, किसी भी सोलेनोइड्स में या किसी भी इस तरह के सर्किट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में, जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन मोशन रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पोजिशन चेंज करता रहेगा। यही था आज का हम लोगों का टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस वाइट का टॉपिक। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, फ्रेंड के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू।